देखिए, बहुत सारे रिपब्लिकन जो स्टेट्स हैं, जो कि गढ़ हैं कंजर्वेटिज्म की, जैसे एरिजोना है, वो इस बार ब्लू होने वाला है। और अगर ब्लू नहीं तो लाइट रेड भी जाएगा। इसका मतलब है कि बाइडेन ने, डेमोक्रेट्स ने डेफिनेटली डेंट किया है रिपब्लिकन बेस। और आप देखिए, आपको ये भी पता चल रहा है कि अमेरिका का थिंकिंग और लोगों की थिंकिंग चेंज हो रही है। ये वो अमेरिका नहीं है जो 12 साल पहले था, जब मैं प्रेसिडेंट ओबामा कैंपेन में थी। ये पॉलिसी जो अब होगी, ये वो नहीं है जो पहले होगी। क्यों? डेमोग्राफिक डिफरेंट है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप, मैं तो समझती हूँ, उन्होंने सबसे बड़ी अपनी अपॉर्चुनिटी खो दी। जब उन्होंने देखा कि अमेरिका में एक ट्रेजिडी पे आई है, पैंडेमिक आया है, तो उनको एक्नॉलेज करना चाहिए था कि अमेरिकन बाहर हैं। अब 229,000 अमेरिकन है बिकॉज ऑफ कोविड। अभी रैलीज में अपटेक हो गई 1,000 पीपल अ डे। ये कोई छोटी बात है? ये लाइफ है, ह्यूमन लाइफ जा रही है। और जो लोग इतने मोटिवेट होके आ रहे हैं और वोट दे रहे हैं, मैं आपको बताऊं, उनके दिमाग में कोविड है। तो उनको ये है कि कल मेरा जॉब होगा नहीं होगा, कल मेरे पास घर होगा, रेंट देने के पैसे होंगे कि नहीं होंगे। और ट्रम्प तो लड़ते रहते हैं कि मैं ये नहीं दूंगा, ये उन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए। अनसर्टेनिटी ज्यादा लेकिन है। बहुत करना है हमें इन लोगों के लिए, वर्किंग अमेरिकन के लिए, जो लो इनकम अमेरिकन हैं, उनके लिए हमें ज्यादा करना है। और इन्होंने बेसिकली लूज करती अपॉर्चुनिटी। इन्होंने तो ये मैंडेट भी किया फेडरल के, मास्क पहनो। इन्होंने मजाक उड़ाया साइंस का। डॉक्टर फाउची जब बोलने लगे कि अमेरिका वेयर मास्क, उन्होंने उनको थ्रेटन किया कि मैं फायर कर दूंगा। से किसको फायदा हुआ है? ये डेमोक्रेट्स को फायदा हुआ है। तो जो इंडिपेंडेंट वोट भी नहीं करता, डेमोक्रेट भी आया है और उसने कहा नहीं, ये गलत है, बिकॉज मेरी मां का भी इंतकाल हुआ है कोविड से, और मैं मुझे डर है अपने जॉब के लिए, अपने के लिए। ये सारी रियल इश्यूज है। ये भूल चुके हैं कि अमेरिका सफर, ये हमारी बाकी सोल की फाइट है, ये डेमोक्रेसी की फाइट है। हमें जाके ये प्रूव करना है कि डेमोक्रेसी इन अमेरिका इज है, इट्स लाइव। और द फैक्ट ही इज वांटिंग दैट ही माइट बी विनिंग, ये भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है।